सबसे पहले आप ये फोटो देखिए और मुझे बताइए कि ये कैमरे से लिया गया है या स्मार्टफोन से। मैं आपको बताता हूँ, ये फोटो लिया गया है स्मार्टफोन से। क्या एक स्मार्टफोन एक प्रोफेशनल कैमरे को रिप्लेस कर सकता है? खैर, इस वीडियो में जानते हैं। टेक इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है जो हर साल अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, जिसकी हाइप मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। मेनली वो अपने सारे न्यू प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो है वो सिमिलर रखते हैं, और अपने पुराने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम करके बिग बिलियन डेज मतलब फ्लिपकार्ट अपने दोस्त के साथ बेचते हैं, जिससे उनके पुराने प्रोडक्ट की भी हाइप क्रिएट रहती है और नए प्रोडक्ट तो सेल होते ही होते हैं। फिलहाल मैं भी बात कर रहा हूँ एप्पल की, जो हर साल अपने फोन की वजह से चर्चा में रहता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके फर्स्ट इंप्रेशन की, इसके फीचर्स के बारे में बात करूंगा, और आपको बताऊंगा अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन कम कैमरा ज़्यादा है। खैर, अब तक तो आपने iPhone 16 Pro की बहुत सारी वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस और ओवरऑल लुक के बारे में तो जान लिया होगा, तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। अगर आजकल हम में से कोई भी iPhone खरीदता है तो उसका मेन पर्पज़ होता है वीडियोस बनाना या फिर थोड़ी लग्जरी और फ्लैक्स करना लोगों के बीच में। खैर, फ्लैक्स करने का रीज़न तो लोगों का पर्सनल होता है, मैं बात करूँगा कि ये फ़ोन आपके लिए यूज़फुल कैसे है। अगर बात करें इस फ़ोन के पहले इंप्रेशन की, तो देखने में तो ऑफ कोर्स अच्छा लग ही रहा है, प्रो सबको ही अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है भाई, इस फ़ोन का वेट जो है काफ़ी परफेक्ट है, ना ज़्यादा लाइट वेट है और ना ज़्यादा हैवी है, मतलब ये ऑलमोस्ट 15 से थोड़ा हल्का सा लग रहा है बट है नहीं। और भाई, इसका सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जिसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, मतलब इतनी हार्श लाइट में भी ये काफ़ी अच्छी स्क्रीन दिख रही है। अगर बात करें iPhone 16 की परफॉर्मेंस में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि भाई इसमें आ गया A18 बायोनिक चिप, जो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। इसमें चाहे आप गेमिंग करो, चाहे वीडियो शूट करो, चाहे आप मल्टीटास्किंग वर्क करो, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि पिछले फोनों में भी नहीं होता था। खैर, एप्पल क्लेम करता है कि पिछले फोन से ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप भी मिलने वाला है। एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं कि कितने एमएच की बैटरी आपको मिलने वाली है। आईफोन ने अपने फोन में काफ़ी ज़्यादा माइनर चेंजेस किए हैं, जैसे कि उनके EOI में चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपको बढ़िया स्क्रॉलिंग मिलने वाली है, बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं। और आईफोन ने थोड़ा कॉपी करते हुए AI को भी इंट्रोड्यूस कर दिया अपने फोन में, और सीरी को भी अपडेट कर दिया है। और भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वो है आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आने वाली है भाई। खैर, इस वीडियो में मैं ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियो तो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप आईफोन को यूज करके बढ़िया वीडियोस बना सकते हो, मतलब इसके कैमरे के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार से आईफोन ने अपनी बॉडी में एक चेंज किया है, जो कि है इस कैमरा बटन का, जिससे पूरा का पूरा कैमरा कंट्रोल होने वाला है। इसको आप अगर एक बार प्रेस करते हो तो कैमरा आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इससे आप फोटो वीडियो अलग अलग मोड में स्विच कर सकते हो, और इससे आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप फोकल लेंथ वगैरह, अलग अलग मोड, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो कैमरा के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर कोई फिल्म मेकिंग कर रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, तो उसके लिए ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। खैर, जिन लोगों को अभी ये कैमरा बटन की आदत नहीं है, तो उनको थोड़ा ऑड लग सकता है, जैसे कि मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था। जब पर्सनली मैंने जब इसको थोड़ी देर यूज किया, तो मेरे हाथ में ये मस्त सेट हो रहा था और काफी चीजें समझ में आ रही थी। देखो, नॉर्मल ब्लॉगर्स के लिए 12, 13, 14 काफी अच्छे फोन थे, बट एप्पल ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है इसके प्रो रॉस में, मतलब ब्लॉग में अगर आप शूट करते हो तो भाई भाई क्या ही है, ये तो कैमरा बना दिया, फोन नहीं है भाई, कैमरा है पूरा। देखिए, शॉट्स कितने क्लियर और डिटेल्ड हैं। इसमें सिनेमैटिक मोड भी है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर होता है, मतलब ये परफेक्ट है फॉर व्लॉगिंग। भाई, इसमें दिया गया 4K 120 FPS। तो भाई, हीटिंग का भी इशू है इस फोन में, बट 15 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप 1.5-2 घंटे लगातार धूप में शूट करते हो, तो हल्का हल्का हीट होना स्टार्ट हो जाता है ये फ़ोन, तो ये भी एक ड्रॉबैक है, बट एप्पल ने धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश की है। खैर, चलो बात करते हैं, अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हो वीडियोस बनाने के लिए या वीडियोस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या ये आपके लिए सही है?
फ़ोन वीडियो बनाने के लिए इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, जबकि मार्केट में बहुत सारे कैमरे, मिररलेस कैमरे, DSLRs वगैरह सब कुछ आते हैं, फिर भी लोग आईफोन को ख़रीदना क्यों प्रेफर करते हैं? इसका सबसे पहला रीज़न है जो आईफोन को किंग बनाता है, वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। आपने मार्केट में हज़ारों फ़ोन देखे होंगे, उन सबकी वीडियो क्वालिटी और आईफोन की वीडियो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, और आईफोन की वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सभी फ़ोनों के मुकाबले। एप्पल का जो कैमरा प्रोसेसिंग है वो इंडस्ट्री में लीडिंग है, मतलब उसका सेंसर साइज छोटा होने के बावजूद भी डायनेमिक रेंज, कलर्स और इसके लो लाइट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। और अब तो 16 सीरीज से एप्पल ने अनाउंस किया है प्रो रोज, मतलब आप सब कुछ लॉग में शूट कर सकते हो, जैसे कि एक कैमरे से फिल्म बनती है उस तरीके से। और जो हम एक स्मार्टफोन में बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, वो चीज एप्पल ने करके दी है इस 16 सीरीज में। इससे फिल्म मेकर्स और वीडियो शूट करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। देखो, DSLR और बड़े बड़े कैमरों की क्वालिटी अपनी जगह है, बट आईफोन में भी बहुत सुपीरियर क्वालिटी मिलती है आपको। आईफोन का सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने का रीज़न है भाई इजी टू यूज़ इंटरफेस। अगर आपने कभी प्रोफेशनल कैमरा नहीं चलाया और आप कैमरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, वीडियोस के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, तो आप आईफोन का पहली बार यूज़ करके काफ़ी अच्छे शॉट्स ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ईजी टू यूज़ सेटिंग्स हैं। आईफोन के कैमरे में सब कुछ इतना ज़्यादा स्मूथ है कि आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कैमरा सेटिंग्स, जूम, फोटो से वीडियो स्विच करना तो आप ईजी कर सकते हो, आपको 4K में शूट करना तो आप ईजी कर सकते हो, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, इसको एक बिगिनर भी आराम से यूज़ कर सकता है। खैर, अगर जब बात करते हैं 16 की, तो इसमें एक बटन ऐड होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट ये सेटिंग्स अभी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। और इस बार आपको 16 प्रो में दिया गया भाई 4K 120fps तक का रेजोल्यूशन, मतलब भाई इस टाइम में जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ, ये सोनी का 7 Mark III, ये आता है 1.5 लाख का कैमरा, और इसके अंदर भी वो सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। आप समझ सकते हो एप्पल ने कितनी ज़्यादा इनोवेशन करके कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ वाली चीज़ें डाल रखी हैं। अगर आप व्लॉग्स और ट्रैवलिंग वीडियोज़ शूट करते हो, तो आपके लिए कैमरा में स्टेबलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स में या नॉर्मल कैमरोज में नहीं होता है। अगर आप कैमरे से कोई चीज़ शूट कर रहे हो, तो आपको यूज़ करना पड़ता है उसके लिए अलग से गिम्बल, बट भाई आईफोन 16 में इन्होंने इतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन इंप्रूव कर दिया है कि आप वॉक करते हुए भी शॉट लोगे तो कितने ज़्यादा स्टेबलाइज शॉट्स आते हैं, और बहुत ही प्यारा स्टेबलाइजेशन इंप्रूव किया गया है इस 16 में। देखो, आईफोन से वीडियो बनाने का तीसरा मेन फैक्टर ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होता है। अगर आप कोई भी कैमरा खरीदते हो, उसके साथ आपको चाहिए भाई एक कैमरा, उसके लेंसेस, उसके स्टेबलाइजेशन के लिए गिम्बल, माइक और पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीज़ें, अलग बैटरी, सब कुछ। पर अगर सेम टाइम आईफोन से अगर आप वीडियोज़ बना रहे हो, तो आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड मिलेंगी, अच्छा माइक, अच्छा कैमरा, अच्छा स्टेबलाइजेशन, अच्छी बैटरी, सब कुछ। मतलब यार, मैं भी सोच रहा हूँ कि कैमरा बेच के फ़ोन ही ले लूँ क्या। खैर, अगर आप कॉमर्शियल्स वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप आईफोन जरूर ले सकते हो अपनी फिल्म मेकिंग के लिए, अपनी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, या इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना चाहते हो, या रील्स बनाना चाहते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना चाहते हो किसी भी टाइप की, तो आपके लिए आईफोन से बेटर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। और एप्पल के साथ सबसे बड़ी चीज़ है इसका इकोसिस्टम। अगर आप फोन में वीडियोस शूट करते हो, अगर आपको एडिट करने के लिए अपने लैपटॉप में डालिए, तो तुरंत आप एयरड्रॉप के थ्रू फाइल ट्रांसफर करके एडिट कर सकते हो। तो एप्पल के इकोसिस्टम की वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्कफ्लो आसान हो जाता है, और बहुत सारे लोग एप्पल के इकोसिस्टम की वजह से एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जैसे कि पर्सनली मैंने जब अपना आईफोन लिया था, तो इसके बाद मैकबुक लिया। भाई वैसे तो आईफोन के बारे में जितनी बातें करो उतनी कम पड़ जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और किसी वीडियोस में बात कर लेंगे, आज के लिए इतना ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, जो भी करना हो कर देना भाई। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं कैमरा और फ़ोन दोनों के कंपैरिजन में वीडियो बनाऊं, और आपको लोगों को थोड़ा गाइड करूं कि अगर आप फ़ोन से वीडियोस बनाते हो, तो आप अच्छी वीडियोस कैसे बना सकते हो। तो मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और भाई को ये इंस्टा वाला लाइन चेप दिया यार मैंने, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो यार नीचे जाके, इतना सेटअप लगा के भाई, बहुत गंदगी पड़ी थी यार। यार तुम लोगों क्या क्या बता रहा हूँ। बाय 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 भैया, जाओ यार, क्या कर रहा हूँ। रुक जा भाई, मैं ऐसे बोलूँगा, तू बोलना सीख जा, या तो कुछ तेरा हो नहीं पाएगा।